नमस्ते, मैं राजविंदर और आज मैं बात करूंगा कि मैंने अपनी ओसीडी कैसे ठीक करी, मेरी ओसीडी की जर्नी, मेरी लाइफ जर्नी और मैंने कैसे उसे डिफीट किया। तो मैं अगर शुरू से शुरू करूं तो मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, पंजाब स्टेट को। बट मेरे जो डैड है वो डिफेंस में थे, तो वो हम बार बार अलग अलग जगह पे शिफ्ट होते रहते थे। तो मैं कहीं मुंबई, कभी गोवा, इन सब जगहों पे रहा। तो मेरे बचपन से ही मैं ओवर थिंकर था। मैं हर चीज़ की बाल की खाल निकालता था, तो और हर चीज़ को बार बार सोचता था। और मतलब कुछ भी मेरे साथ इंसिडेंट हो जाए तो उस पर बहुत एनालिसिस करता था। तो उसके बाद 17 साल की उम्र में कोई बेसिकली हम बैठे हुए थे दोस्त और सब बात करने लग गए थे, और कोई तो एक बात हुई और वो बात मेरे दिमाग में अटक गई, और वही बात फिर बार बार रिपीट होती रही। वो मुझे लगा कि मैं अगर थोड़ी देर कुछ खेल लूँ या मैं कहीं पे चले जाऊँगा, कोई मूवी देख लूँगा, तो वो जो बात है वो ठीक हो जाएगी, वो बात चली जाएगी। बट मैं खेलने गया, मुझे याद है मैं फुटबॉल खेलने गया 2-3 दिन लगातार, तो भी वो मतलब 2-3 दिन के बाद भी वो बात बस अटकी रही। और वो एक थीम की कोई बात थी, फॉर एग्जाम्पल चेकिंग की से शुरुआत हुई कि लॉक बंद है कि नहीं, मैं सब चीज़ें या गैस बंद है कि नहीं, ये चेकिंग वगैरह मैं करने लगा। और उसके बाद फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आने लग गई, रिलीजियस थीम होने लग गई, उसके बाद फिर हार्म के भी थोड़े होने लग गए। तो बहुत सारी थीम्स के, मुझे मल्टीपल थीम्स की ओसीडी हो गई, और बस थॉट बदलते रहते थे, पर वो वैसे ही होते थे कि इंट्रूसिव थॉट्स आते थे, अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट्स जो बार बार रिपीट होकर आते थे, और वो उससे एंगजाइटी होती थी। और मैं कंपल्शन करता था, मेरे कंपल्शन होते थे मेंटल कंपल्शन, मोस्टली रैशनलाइजेशन, आर्ग्यूइंग, अपने ही थॉट को लॉजिक देना, और घंटों ही घंटों, 4-4 घंटे बस अपने आप से ही लड़ाई करते रहना। उसके बाद फिर चेकिंग कंपल्शन था, बार बार चेक करना चीज़ों का। तो ये मेरे मेन कंपल्शन थे। तो मैंने स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग करी, तो मेरी इंजीनियरिंग तो पूरी बर्बाद हो गई ओसीडी की वजह से, बहुत ही खराब मुझे मार्क्स आए, बट मैं 4 साल में कंप्लीट कर ली थी, तो दैट वाज आई वाज ग्रेटफुल फॉर दैट। तो उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया, बीच में एंट्रेंस एग्जाम भी निकाला। तो एंट्रेंस एग्जाम की जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मैंने घर वालों से बात करी कि मुझे प्रॉब्लम है ये और मैं नहीं उसको हैंडल कर पा रहा। तो मेरे जो घर वाले हैं शुरू में, जैसे ज़्यादातर घर वाले नहीं माने, वो कहते ये वहम है या क्या है, थॉट ही तो है, विचार तो है, इनको जाने दो। पर उनको क्या पता था कि ओसीडी इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि विचार अगर मैं जाने दे सकता था तो मैं क्यों ऐसे सफर करता, मैं तो जाने देता उसे, पर मैं जाने ही नहीं दे पा रहा था, विचारों को विचार आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। तो फिर मैंने घर वालों को बोला, मेरे घर वाले मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए। साइकियाट्रिस्ट के पास, जैसे आपको पता ही, और आप अगर गए होंगे तो सबसे पहले क्या होता है, दवाई, SSRI मुझे मिली, और SSRI क्लास ऑफ मेडिसिन, और मुझे ब्रांड नेम याद नहीं है, बट SSRI थी वो, और मैं वो खाने लगा। मुझे थोड़ी राहत मिली, बट अगर मैं दवाई खाना जैसे ही बंद कर देता था, वैसे ही वो थॉट्स आ जाते थे, तो रिलैप्स हो जाता था। और मतलब मैं बाकी, मैं अंदर से मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि मैं वो थॉट्स को मैं निकाल सकता हूँ, या मैं थॉट से, मेरा जो डर है थॉट्स की तरफ वो था। उसके बाद मैंने 5-6 साल मेडिसिन खाई, लगातार खाई, बीच में मैं छोड़ के देखता था, बीच में मतलब मैं बोलता था कि डॉक्टर अगर डोज कम करके देखो, बट जैसे डोज कम होता था तो मेरी ओसीडी वापस आ जाती थी। तो उसके बाद मैंने फिर साइकोलॉजिस्ट के पास, तब तक मेरी कोई थेरेपी नहीं हुई थी, साइकियाट्रिस्ट के पास मैं जाता था और मुझे मेडिसिन मिल जाती थी, मेरी कोई थेरेपी नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं थेरेपी में गया, मुंबई में गया थेरेपी में, तो उन्होंने मुझे सीबीटी करवाया। सीबीटी में REBT है, जो भी सीबीटी का, सीबीटी जैसा ही है, तो सीबीटी से सिमिलर है, तो REBT करवाया। तो उसमें क्या है कि बेसिकली आप थॉट्स को डिस्प्यूट करते हो, थॉट्स को लॉजिक देके आप डिस्प्यूट करते हो, पर ओसीडी पेशेंट्स तो मतलब यही तो करते हैं, हमारा तो कंपल्शन है लॉजिक देना। तो मैं सीबीटी सेशंस में लॉजिक देता था अपने इंट्रूसिव थॉट्स को, मैं वो ट्राई करता था, बहुत बैठ बैठ के लॉजिक देता था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं, क्योंकि मेंटल कंपल्शन था मेरा लॉजिक देना, तो मैं अपने ही थॉट्स में, सर्कल में फंसता रहता था। और ये काफी लोगों के साथ होता है ऐसे, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो पहला जो उनकी थेरेपी होती है वो ज्यादातर REBT CBT होती है, थॉट्स वाली, और उससे उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है।
सीबीटी इज ऑल्सो हेल्पफुल। सीबीटी से आप लॉजिकल थिंकिंग सीखते हो, बट जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उनके लिए सीबीटी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत अच्छी तरह से वो ठीक हो जाते हैं। पर ओसीडी पेशेंट्स के लिए सीबीटी एक हद तक ठीक है, उसके बाद ईआरपी और एक्ट थेरेपी ही सही है। इस पे मैं बाद में आऊंगा, बट बस ये पॉइंट मैं बताना चाहता था कि सीबीटी भी अच्छी थेरेपी है, बट फॉर ओसीडी पेशेंट्स सीबीटी का थोड़ा इशू हो जाता है। तो फिर मैंने देखा कि सीबीटी से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो तब मैंने निश्चय किया कि मैं खुद से देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सही बात है, अच्छी बात है, आई विल गिव माई 100% कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं खुद से रिसर्च करने लगा, खुद से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगा, मैं सेमिनार्स अटेंड करने लगा, दो दो घंटे के मैंने सेमिनार अटेंड किया, और तब जाके फिर मुझे पहले ईआरपी के बारे में पता चला। सोच लीजिए कि मैंने 2-3 साल थेरेपी करने के बाद भी मुझे ईआरपी के बारे में पता ही नहीं था, मतलब इट वॉज सो अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट कि मुझे ईआरपी, जो बहुत ही सालों से पता है कि अमेरिका यूरोप में तो ईआरपी ही सबसे पहले दे दी जाती है जब ओसीडी, जबकि मैं कितनी सालों से साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा था और मुझे ईआरपी किसी ने बताया ही नहीं। तो फिर मैंने ईआरपी किया। ईआरपी में पहले मैंने साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, पर मुझे साइकोलॉजिस्ट कोई मिला नहीं मेरा आसपास ईआरपी का, तो मैंने खुद शुरू किया और ईआरपी करके मुझे अच्छे रिजल्ट आने लगे। और फिर मैं ईआरपी के बारे में और पढ़ने लगा तो यूट्यूब ने मुझे रिकमेंडेशन दिया एक्ट का, और मैं यूट्यूब के लिए भी बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि यूट्यूब ने मुझे रिकमेंडेशन दिया एक्ट थेरेपी का, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, और वो मेरे लिए मतलब बहुत ही लाभदायक रही। उसी ने मुझे ठीक किया है एक्ट थेरेपी को। मैं 100% एक्ट थेरेपी को ही दूंगा कि एक्ट थेरेपी की वजह से मैं अपने लाइफ की जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ या जो भी मतलब पूरा फोकस करके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ वो एक्ट थेरेपी की वजह से है। एक्ट थेरेपी के ऊपर मैंने पूरा एक हिंदी में सेमिनार बनाया हुआ है पूरा 40-45 मिनट्स का, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है एक्ट थेरेपी को। आपकी भी हेल्प होगी एक्ट थेरेपी से, आप वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। ईआरपी का भी वीडियो देखिए, ईआरपी भी हेल्पफुल है, बट एक्ट उससे ज़्यादा बेटर है। एक्ट में भी ईआरपी के पार्ट्स हैं, पर एक्ट में और भी कई सारी चीज़ें हैं, माइंडफुलनेस है और लॉजिक है, माइंडफुलनेस है, सब कुछ वो एक कॉम्बिनेशन है। तो एक्ट थेरेपी बहुत ही प्रैक्टिकल थेरेपी है और बहुत ही आराम से कोई इंसान कर सकता है। तो ऐसा मेरा हुआ, मैंने एक्ट थेरेपी तो समझा, उसके बाद फिर मैंने 100-150 बुक्स पढ़ डाली साइकोलॉजी के ऊपर। वो मैं जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना अपने आप को बंद करके, वैसे मैं 8-8, 9-9 घंटे बैठ के पढ़ता था, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतनी ऑडियो बुक्स देखी। मैं मतलब बुक हर सैटरडे संडे मैं बुक स्टोर्स में बताता था, बुक ढूंढता था, मैं रिसर्च कर करके मैंने बुक्स निकाली, और मैं इस वीडियो के एंड में मेरी टॉप 5 बुक्स रिकमेंडेशन भी दूंगा। अगर आप मेरी और वीडियोस देखते हो तो आप देखते हो कि मैं बुक का सोर्स बताता हूँ कि मैं कौन से बुक से पढ़ के मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ हवा में नहीं बताता हूँ। जो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ वो फैक्ट बेस्ड, साइंटिफिकली प्रूवन, और मैंने खुद मेरी आप बीती है। तो जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ आप उसको आप विश्वास कर सकते हैं उस पर। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, मैंने साइकोलॉजी का ज्ञान लिया, मतलब मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, एक्ट थेरेपी किया और मैं अच्छा हुआ। यही मेरी स्टोरी है, यही मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा स्ट्रगल है और उसके बाद फिर मेरा जो जीत आप कह सकते हो। ओसीडी के बारे में ये मैं कहूँगा कि ओसीडी क्रोनिक बीमारी है। ओसीडी 100% पूरी हमेशा ख़त्म नहीं होती है, पर वो मैनेज हो जाती है 100% कि अभी अगर मेरा ओसीडी हुआ भी, ज़्यादातर स्ट्रेसफुल कंडीशन में ओसीडी वापस आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो ऑफिस की, तब ओसीडी वापस आ सकता है, बट आई कैन मैनेज इट विदाउट मेडिसिन, मुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक्ट थेरेपी और मेरी जो मैंने जो नॉलेज ली है, डिफरेंट नॉलेज, एक्ट थेरेपी ठीक है, बट आपको लाइफ की जो आपका कैसे ब्रेन चलता है, आप साइकोलॉजी के जो मेन फंडे हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तब आप इसको जीत सकते हो इस बीमारी से। तभी मैंने अपने चैनल का नाम नॉलेज लिबरेट्स रखा है कि नॉलेज से ही आपको आज़ादी मिलेगी, और मुझे उधर ही से मिली और वही मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ अपने चैनल से। तो अगर मैं अपने जो जर्नी में अगर मैं कुछ टिप्स बताऊँ, जो शॉर्ट अगर मैं टिप्स बताऊँगा, वैसे तो आपको ओवरऑल जो पूरा जो चीज़ें करनी है उस पर मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है। मेरे चैनल में कुछ 29-30 वीडियोस हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको सारा ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने बताया है। बट अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर टिप्स कुछ,
तो जो मेन जो टिप्स है वो है, पहला कि लाइफ में आप लाइए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि जो आप चीज आपने तय करी है, ठीक है, चाहे आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप उसे करो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपको आपने सोचा है कि मैं 5 बजे उठूंगा, आप सुबह आपकी नींद खुली 5 बजे, पर आप बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप को बोलो नहीं, चाहे मेरे कुछ भी हो मैं उठूंगा। दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। बस बस इसका शॉर्ट जो डेफिनेशन है। तो डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। अगर आप एक बार लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा रूटीन आएगा। ओसीडी पेशेंट्स में ना कि लाइफ में ज्यादातर कोई रूटीन नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जहां थॉट आता है वहां चल लेते हैं, पर कोई डिसिप्लिन रहेगा तो उनकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है पेशेंस, धैर्य। ओसीडी पेशेंट्स में भी जो इतने थॉट्स और इतनी एंजाइटी होती है कि धैर्य कम हो जाता है, तो आप अपने में पेशेंस लाइए, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है ओसीडी पेशेंट्स के लिए, वो है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने विचार नहीं हो। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आ गया कि अगर आप फेल हो गए कहीं पे एग्जाम में कि मैं तो फेलियर हूं, मैं लूजर हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, वो बस एक विचार है। वो विचार आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिकली वो सच है। विचार कई आते हैं, सारे विचार सच नहीं होते। जो विचार है वो बस हमारे जो दिमाग का ओपिनियन है, वो बस हमारा दिमाग ओपिनियन दे रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे या नहीं दोगे। आप विचार कोई आए तो आपके पास पावर है उसे ऐसे ही जाने देने का। मुझे पता है कि भाई अब ये बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे हम जाने देंगे, बट आप जाने दे सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, तो उससे आपके जो थॉट्स हैं, आपके पास पावर आ जाएगी कि जो थॉट्स आपको चाहिए वो रहेंगे और जो थॉट्स आपको नहीं चाहिए वो चले जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थॉट्स। जो अगर आप कितना भी सोचो, मैं चाहे कितना भी सोचूं कि ये प्लांट उठ जाए, ये प्लांट उठ जाए खुद से, वो नहीं उठेगा। मैं जब तक उसको उठाऊंगा नहीं हाथ से तो वो नहीं उठेगा, राइट। तो आप चाहे कितना भी सोच लो कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट आएंगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आप फर्स्ट ही आओगे। तो आप क्या करो कि थॉट पे ज्यादा फोकस मत करो, एक्शन पे ज्यादा फोकस करो। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, फेल, ठीक है आप फेल हो गए, तो आप ये देखिए कि उसका मैं सोल्यूशन क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई मैथ्स का जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन एक ही बार लिखा होता है, जो प्रॉब्लम बोलते हैं हम जिसे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ही बार लिखा होता है ना। आप बार बार उसे कितनी बार पढ़ोगे प्रॉब्लम चेंज होगी नहीं, आप सोल्यूशन पे फोकस करिए। अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो आप ज्यादा आपको अच्छे सोल्यूशन और आप मिलेंगे और आप जल्दी प्रॉब्लम से निकलोगे। और अगला पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें मतलब सोल्यूशन तो आप ढूंढिए, पर आप ये भी देखिए कि इस जो प्रॉब्लम का पॉजिटिव क्या है, इस प्रॉब्लम में कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। हर प्रॉब्लम का एक नेगेटिव तो होता ही है पर पॉजिटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट टीम में पहली बार, तो उन्होंने और प्रैक्टिस करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, जब उनका लीन पैच चल रहा था, बीच में वो अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो उस फेलियर को उन्होंने यूज किया अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, और देखिए अब वो कहाँ पे है, राइट। तो आप फेलियर से भी सीख सकते हैं, आप हर प्रॉब्लम से भी कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं, तो वो भी आप शुरू कीजिए। फिर जो अगला पॉइंट है वो है कि फेस योर फियर्स। जो ओसीडी में मेनली जो प्रॉब्लम है कि हम एंग्जाइटी से डर जाते हैं, बट अगर आप एंग्जाइटी को फेस करने लगोगे, जैसा एक्ट थेरेपी में, ईआरपी में सिखाया है, तो आप अपनी जो फियर है, आपका फियर कम होने लगेगा। आप क्या होते हैं कि ब्रेव होना क्या है, फियर का ये मतलब नहीं है कि जो लोग ब्रेव होते हैं उनको फियर होता ही नहीं है। ब्रेवरी का मतलब ये है कि फियर होने के बावजूद, ठीक है, वो कदम उठाते हैं, ठीक है। करेज भी यही है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। करेज मतलब ये नहीं है कि आपको डर है ही नहीं, डर है तो भी आप कदम उठा रहे हो, तो फेस योर फियर्स। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप जो फैक्ट्स जो है, जो चीजों के, जो भी कोई सिचुएशन है उसमें देखिए फैक्ट्स क्या है, कौन सी चीज ओपिनियन है कि कौन सी चीज फैक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेल हो गए तो आप ये बोलोगे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आप अपने आप से पूछो
असली में बर्बाद हो गई क्या, एक एग्जाम ही तो मैं फेल हुआ हूँ, अगर मैं अगले साल पास हो जाऊंगा तो मेरे ठीक है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग में 2-3 साल वो फेल हुए तो भी उनको इतनी अच्छी नौकरी मिली है। अगर वो ये सोचते हैं कि मैं फेल हो गया और अब मुझे आगे मतलब मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उन्होंने नहीं सोचा, वो आगे बढ़ते रहे और उनकी लाइफ बेटर हो गई। तो अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे ठीक है तो आपकी लाइफ बेटर होगी, आप हार ना माने। अगर मैं हार मान जाता OCD से तो मैं कहाँ ठीक होता, और मैं ठीक नहीं होता तो आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाता। तो प्लीज आप हार ना मानिए ठीक है, आप फियर से मत डरिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको एक चीज और समझना चाहिए कि जो OCD है वो हैबिट ही है, एक हमारी थिंकिंग हैबिट। दवाइयाँ तो थोड़ी देर के लिए पेन रिलीवर का काम करती है और हमारी एंग्जाइटी कम कर देती है, बट अगर आपको अच्छी तरह से अगर आपको ठीक होना है तो आपको अपने थिंकिंग का पैटर्न बदलना पड़ेगा। और वो थिंकिंग का पैटर्न थेरेपी से और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने से, नॉलेज लेने से होगा। तो नॉलेज लेने की अगर बात आई तो मैं आपको अपनी top 5 books बताना चाहता हूँ। मैंने बुक्स तो बहुत रिकमेंड कर सकता हूँ और धीरे धीरे रिकमेंड करता भी रहूँगा, बट अगर आपको 5 books से अगर शुरू करनी है तो पहली बुक आप जो पढ़ सकते हो वो है स्विच, ठीक है। स्विच बताता है कि आप अपनी हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर है लर्नड ऑप्टिमिज्म, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं बॉडी कीप्स द स्कोर, वो एंग्जाइटी और PTSD OCD के बारे में बहुत अच्छी बुक है। फिर थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक किताब है वो भी, और माइंडसेट तो आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस में उसका जिक्र किया है, तो बहुत ही अच्छी बुक है माइंडसेट, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये 5 books है, और भी काफ़ी बुक्स है, मैं आपको रिकमेंड करता रहूँगा। ग्रिट एक मेरे दिमाग में आया है कि ग्रिट भी अच्छी बुक है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मार्क मैनसन की जो बुक्स है वो भी थोड़ी अच्छी है, अच्छी है, जो 2 books उन्होंने लिखी हुई है, तो आप उनको भी ज़रूर पढ़िए। तो ये थी मेरी कहानी, स्ट्रगल था बट मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं खुद ठीक हूँगा, और मैं ठीक हुआ और आप भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड तक। आप मुझे एक फीडबैक दीजिए कि क्या मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे होते हैं, मुझे कई लोगों ने कहा। अगर लंबे आपको लगता है होते हैं तो मैं उनको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा टू द पॉइंट, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह से सब चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊँ, इसके लिए थोड़े लंबे हो जाते हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्रॉब्लम आएंगी ठीक है, पर हमें डटे रहना है, कीप फाइटिंग।